अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेंटर माहिरा अंसारी और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक और न्यू क्लास। आज की क्लास में मुझे स्क्रैच डिस्क फुल एरर को फिक्स करना आपको सिखाना है। स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि मिस हम फोटोशॉप खोलते हैं, स्क्रैच डिस्क फुल एरर आ रहा होता है, आगे काम नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस टाइप का एरर आपके सामने पॉप अप हो रहा होता है, कुड नॉट कम्प्लीट द कमांड बिकॉज द स्क्रैच डिस्क आर फुल। ठीक है, तो सिंपली ये बहुत इजी है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है करने में। लाइक मैंने फोटोशॉप नहीं खोल रही हूँ, ना मेरा फोटोशॉप यहाँ पर इजीली खुल चुका है। ठीक है, अगर आपका फोटोशॉप नहीं खुलता है तो स्क्रैच डिस्क फुल का एरर आ रहा होता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपने अपनी टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना है। टेम्पररी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो आपकी बिल्कुल बेकार होती हैं, जो जस्ट टेम्पररी बनी हुई होती है और उन्होंने सिर्फ जगह घेरी हुई होती है आपकी सी ड्राइव की। ठीक है, आपने विंडो प्लस आर यानी कि विंडो दबाकर आर दबाना है और ये कमांड लगानी। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपने परसेंटेज साइन लगाना है और टेम्प लिखना है एंड अगेन परसेंटेज साइन लगाना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपने लिखना है, देन ओके कर देना। आपके पास काफी सारी फाइल्स खुलकर आ जाएंगे, लाइक मेरे पास यहाँ पे 386 आइटम्स खुलकर आ गए हैं। ठीक है, ये सारे मेरे वेस्ट हैं, टेम्पररी हैं। आपने कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन लेनी है और शिफ्ट दबा कर डिलीट दबाना है। शिफ्ट दबा के डिलीट इसलिए दबाने को बोल रही हूँ ताकि ये जो फाइल्स डिलीट हों ये रिसाइकल में ना जाए, रिसाइकल में जाएंगी फिर वो जगह कंज्यूम करेंगी तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाए। ठीक है, मैंने शिफ्ट डिलीट किया एंड देन यस, ऑलमोस्ट सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, बस कुछ फाइल्स रह जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ फाइल्स रह गई हैं तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है एंड इसको स्किप कर देना है। ठीक है, इन फाइल्स को डिलीट करने से आपकी जो सी ड्राइव होगी उसमें जगह बन जाएगी। ठीक है, और आपकी जो यहाँ पे फोटोशॉप में जो एरर आ रहा होगा स्क्रैच डिस्क फुल का वो भी फिक्स हो जाएगा। विल फर्स्ट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो फिक्स नहीं होता है एरर टेम्पररी फाइल्स डिलीट करने के बाद भी, तो आपने दूसरा फिर एक प्रोसेस करना है। दूसरा प्रोसेस आपको ये करना है, आपने फोटोशॉप खोलना है। ठीक है, और फोटोशॉप खोलने के बाद आपने आना है इधर एडिट में। एडिट में आने के बाद आप आएंगे इधर प्रेफरेंसेस और यहाँ से आपको आना है स्क्रैच डिस्क। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा होता है कि आपको स्क्रैच डिस्क के लिए कौन सी ड्राइव देनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो आपकी जितनी भी आपके पास ड्राइव्स होंगी उन ड्राइव्स में आपके पास सबसे ज्यादा स्पेस कौन सी ड्राइव में है। जिस ड्राइव में सबसे ज्यादा स्पेस हो आप ये चेक हटा के उस ड्राइव में लगा दो। ठीक है, अभी मेरे तो सी ड्राइव में ही ज्यादा स्पेस है, 53 GB है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मेरे इस ड्राइव में ज्यादा स्पेस होगा तो मैंने यहाँ पे भी चेक लगा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो जिस ड्राइव में आपको ज्यादा स्पेस लगे आप उधर चेक लगा के इसको ओके कर दो, तो आपका ये जो एरर होगा ये फिक्स हो जाएगा एंड देन आप फोटोशॉप इजीली यूज कर सकेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।